प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कि जब आप माता कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उससे आपकी किस तरह की मनोकामना पूरी होती है? देखिए, माता कात्यायनी की पूजा कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए बड़ी शक्तिशाली, बड़ी अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। केवल विवाह के लिए भी नहीं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, मैरिटल लाइफ में दिक्कत है, तो उसके लिए भी माता कात्यायनी की पूजा शुभ होती है। अगर आपकी कुंडली में विवाह के योग बहुत कमजोर हैं या विवाह के योग न के बराबर हैं, तो भी विवाह जल्दी से जल्दी हो जाता है अगर माता कात्यायनी की पूजा की जाए तो। अब प्रश्न ये है कि माता कात्यायनी की पूजा करेंगे कैसे? देखिए, दो बातें हैं। पहला, माता कात्यायनी की सामान्य पूजा, जो कोई भी नवरात्रि में कर सकता है, वो भी आप कर सकते हैं। और दूसरा, शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं नवरात्रि में या उसके बाद माता कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगी, ये भी जानना जरूरी है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। तो कैसे करें माता कात्यायनी की सामान्य पूजा? गोधूली वेला के समय आपको इनकी पूजा करनी है। तमाम देवियों की जो पूजा है वो मध्य रात्रि के समय होती है नवरात्रि में, लेकिन माता कात्यायनी की पूजा होगी गोधूली वेला में। गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आपको करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करनी चाहिए और साथ में इनको शहद अर्पित करना बड़ा शुभ होता है। माँ को अगर आप सुगंधित फूल अर्पित करते हैं तो शीघ्र ही विवाह के योग आपके बनते हैं और प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसके बाद आपने उन्हें पीली मिठाई चढ़ा दी, रंग बिरंगे फूल चढ़ा दिए, पीले फूल चढ़ा दिए, तो उसके बाद उनके मंत्रों का जप आप उनके सामने बैठ करके करिए। जैसे ओम कात्यायनी दैव्ये नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका भी जप आप कर सकते हैं। बात करेंगे कि शीघ्र विवाह के लिए जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, वो माता कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगी। लेकिन अब जान लेते हैं कि जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, जिनका विवाह नहीं हो पाया है, वो शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगी। गोधूली वेला में आपको ये पूजा करनी है। सूर्यास्त के आसपास के समय में पीले वस्त्र धारण करिएगा। माता के समक्ष एक दीपक जलाइए, एक मुखी घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक, और उन्हें पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद तीन गांठ हल्दी की भी आपको चढ़ानी है। सूखी हुई हल्दी की तीन गांठ आप अर्पित करिएगा। नमस्कार। तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।